हाँ हाँ ठीक है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, पार्ट टू में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट टू में मैंने पार्ट वन में मैंने फंक्शन एंड स्किल्स कंप्लीट कर दिया था। पार्ट टू में हम लोग आ जाते हैं इसमें मैनेजरियल स्किल्स के बारे में। तो मैनेजरियल मैनेजर पास क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए, जिसके कारण वो कोई भी मेथड, प्रोसेस या प्रोसीड्यूर से क्या कर सके, अपने नॉलेज से क्या कर सके, अब कोई भी नॉलेज से क्या कर सके, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है, मैकेनिक नीड्स ए डिफरेंट टेक्निकल स्किल कंपेयर टू अकाउंटेंट। जो मैकेनिक होता है उसके पास बहुत सारा स्किल्स होता है। वो कैसे आपका कैसे इंजन को ब्रेक कर सकता है, इंजन को खोल सकता है, साथ ही साथ इंजन को खोल करके कैसे उसमें पार्ट्स को डालेगा, ठीक है, ये सारा स्किल्स होता है। उसके बाद ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स एक तरह का एबिलिटी होता है, मतलब आप कितना काम कर सकते हैं अपने लोगों से या कितना काम आप करवा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैनेजर क्या होते हैं, उसके पास स्किल होता है कि वह सबसे फ्रेंडली बिहेवियर बना करके पूरा काम करवा सकते हैं। तो वो क्या है, उनके पास ये ऐसा ह्यूमन स्किल्स होता है। तो ह्यूमन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके कारण, फ्रिक्वेंट इंटरेक्शन के कारण। इसके बाद कंसेप्चुअल स्किल्स। कंसेप्चुअल स्किल वह एबिलिटी होता है जिसमें बिग पिक्चर, जैसे बहुत ज़्यादा पिक्चर, बहुत ज़्यादा लोग को क्या करे, सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ज़्यादा लोग को क्या करे, अपने आप को बताए, मतलब बहुत सारे व्यूज को लेकर के एक कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े। क्योंकि सारे मेन 50 आपके एम्प्लॉयज हैं और सारे कोई व्यूज दिए, तो उसके कॉमन पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए आपके पास, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। इसके बाद डिजाइन स्किल्स में क्या होता है, डिजाइन स्किल वह एबिलिटी होता है जिसके कारण आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो कि बेनिफिट क्या करता है आपको एक इंटरप्राइजेस में, कोई भी बेनिफिट क्या करेगा आपको इंटरप्राइजेस में, या तो वो इफेक्टिव रहे या आपको कोई क्या करे सॉल्व करने में बेनिफिट रहे। तो ये आपका क्या है, गुड स्किल इन द डिजाइन इंजीनियर, एक डिजाइन इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टॉप मैनेजमेंट लेवल्स में जैसे हम लोग बात करें, तो ये सारे में कौन कौन सा स्किल्स आएगा। तो देखिए, टॉप मैनेजमेंट लेवल्स में बात करें तो उसके पास कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए, साथ ही ह्यूमन स्किल्स होना चाहिए जिसके कारण वो रिएक्ट कर सके, और क्या होना चाहिए उसके पास, ज़्यादातर टेक्निकल स्किल्स नहीं होना चाहिए। ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स भी ना हो तब भी चलेगा, लेकिन टेक्निकल स्किल्स मेनली किसके पास होना चाहिए, जो सुपरवाइजर लेवल पे हो। क्योंकि उसके पास क्या हो, उसके पास पांच जो स्टाफ्स हो उसके नीचे में अंडर में रहे और उसके पास काम करे, तो वो बता सके कि ये इस तरीके से, इस प्रोसेस से आप काम करेंगे तो समय कम लगेगा और रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। इसके बाद मिडिल मैनेजमेंट में आपको लेस टेक्निकल स्किल्स चाहिए, लेकिन ह्यूमन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी के कारण आपका मिडिल मैनेजमेंट लेवल आपको टॉप मैनेजमेंट लेवल से बात कर सकते हैं। इसके बाद हेनरी फॉयल का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हेनरी फॉयल ने टोटल 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए थे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम स्टार्ट करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। कोई भी काम को क्या करे आप डिवाइड कर दे, क्योंकि सेग्रेट वर्क, कोई भी काम रहेगा वो आपके क्या करे, उस वर्क फोर्स के आधार पर डिवाइड कर दे, कुछ पर्सन को असाइन कर दे। क्योंकि कुछ पर्सन जो भी काम कर सकता उस जो भी काम कर सकता उस पर्सन को असाइन करे जो कि बेस्ट सूटेड है, या फिर जो स्पेशलाइजेशन है उस काम के लिए, तो या तो उसके तौर पर आप उसके इफिशेंसी चेक करें, एक्यूरेसी चेक करें, स्पीड चेक करें या प्रोडक्टिविटी चेक करें। मतलब मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए आपका, आप वर्क को डिवाइड कीजिए अकॉर्डिंग टू देयर इफिशियंसी, एक्यूरेसी, स्पीड एंड प्रोडक्टिविटी। दूसरा जो होता है आपका अथॉरिटी। देखिए, अथॉरिटी भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अथॉरिटी किसी को हेड बना दिया जाए, ऐसा नहीं कि सब काम कर रहे हैं लेकिन उसका ऊपर कोई हेड नहीं है, तो उसका ऊपर भी कोई हेड रहेगा तो क्या होगा, काम जो होगा बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। तो अथॉरिटी जिसको रहेगा उसके पास क्या रहेगा, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि मुझे काम करना है, ठीक है। अथॉरिटी रहेगा जिसके पास, उसके पास क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि मुझे वर्क जो करना है वो इफिशियंटली वे में करना है। इसी तरीके से डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन आप किसी में क्या हो,
सकता है जो कि कोई बिजनेस को स्मूथ रन कर सकता है या कोई गुड कंडक्ट कर सकता है। डिसिप्लिन एक तरह का क्या हो, आपका व्यवहार, आप किस तरीके से कोई भी काम को लेते हैं। कोई होता है कि काम को हाँ हो तो जाएगा लेकिन बाद में देखेंगे, नहीं आप डिसिप्लिन्ड वे में लीजिए, मतलब डिसिप्लिन्ड वे में मतलब आपका 100% दीजिए उस काम को, तो वो डिसिप्लिन्ड वे में हुआ। फिर द यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, यूनिटी ऑफ द कमांड मतलब अगर आपके पास क्या है, आप सुपरवाइजर लेवल पे है तो सुपरवाइजर लेवल जो भी कमांड दे वो एक कमांड में सारे काम करे। ये नहीं कि सुपरवाइजर लेवल के ऊपर में मिडिल लेवल है तो मिडिल लेवल दूसरा कमांड दे, तो पहले मिडिल लेवल किससे टॉक कर ले, सुपरवाइजर से टॉक कर ले, उसके बाद सुपरवाइजर ही कमांड दे जो कि यूनिटी रहे, मतलब एक ही कमांड रहे। ऐसा ना रहे कि बहुत सारे लोग कमांड दे रहे हैं तो उससे के कारण क्या होता है, चांस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद यूनिट ऑफ द डायरेक्शन, जैसे जो सुपरविजन कर रहा है वो क्या रहे, एक ही डायरेक्शन पे काम रहे। ऐसा नहीं कि किसी को दूसरे के काम, दूसरे और के ग्रुप पे को काम दे दिया जाए, ये वाला ग्रुप को काम ना दे दिया जाए। तो सुपरवाइजिंग जो कि होता है स्किल्स में, उसमें क्या रहे, उसमें आपका यूनिट ऑफ डायरेक्शन रहे, काम का जो यूनिट रहे वो एक ही जगह रहे। इसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, देखिए अपने तरफ से मत सोचिए, सारे के और से सोचिए, ठीक है। यही बताया गया है कि आप एक एम्प्लॉय को रख करके ना सोचे, ठीक है, पूरे एम्प्लॉय जो है उनके बारे में सोचिए कि क्या उनका इंटरेस्ट बनता है, क्या उनका ये काम करने का होगा, ठीक है। इसके बाद रेम्यूनरेशन मतलब अगर उस वो काम करता बंदा, कोई भी बंदा काम करता है तो उनको एक पेड अ फेयर वेज, एक काम के अनुसार उनको फेयर वेज दीजिए, तभी वह अपना काम को लगन से कर पाएगा और उसके कारण क्या हो, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी चला सकता है। इसके बाद सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, देखिए ये क्या है, सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग का भी काम दिया जाए, जितना भी आपके सुपरविजन लेवल के जितने भी नीचे हैं उनसे भी आप राय लेते रहे कि किस तरीके से काम को आगे प्रोसेस किया जाए। तो सबऑर्डिनेट्स लेवल पे भी आपको क्या है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस मिलेगा। इसके बाद स्केलर चेन में क्या मिलेगा, टॉप मैनेजमेंट लेवल से लेकर के लोअर रैंक में एक तरह का क्या रहे, इंटरलिंकिंग रहे, मतलब चेन इंटरलिंकिंग रहे, जिससे कि सब कॉमन थॉट पे आ करके काम को आगे प्रोसेस करें, तो इस तरीके का स्केलर चेन रहे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑर्डर, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्डर से ही क्या होता है, कोई भी आदमी अपने सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करता है, कोई भी काम के लिए रेडी होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्लेस के लिए कोई भी ऑर्डर दे तो उस ऑर्डर के अनुसार ही काम हो, तो एक उसका क्या रहेगा, एक मतलब सब्सिक्वेंट ऑर्डर रहे मतलब कुछ भी काम कराना है तो ऐसा नहीं कि ये काम एक दिन 2 दिन का है तो उसको एक ही दिन में, नहीं, उस वो काम आप जान रहे सुपरविजन लेवल में चेक कर रहे हैं कि वो काम 2 दिन का है तो उसको पार्ट बाय पार्ट, 1 डेज का मतलब वर्क इस तरीके का हो तो वर्ड 1 डे का वर्क इस तरीके का हो तो उसको एक तरह का ऑर्डर दे, ठीक है। इक्विटी, सारे जितने भी इम्प्लॉय हैं उनको एक ही तरीके का ट्रीट कीजिए, ना कि रिस्पेक्ट ऑफ द जस्टिस एंड काइंडलीनेस, मतलब ऐसा ना हो कि किसी को कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे, तो इम्प्लॉयज को क्या होना चाहिए, सारे को इक्विटी का अधिकार हो। स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्यूर ऑफ द पर्सनल, जैसे पर जितने भी आपके इम्प्लॉय काम करे तो उनको सिक्योरिटी मिल सके कि आपका जॉब जो है वो स्टेबल है, ठीक है, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। अगर आप पे रोल में है, ठीक है, पे रोल में है और कंपनी के रोल में आ जाते हैं तो आपका क्या काम है, आपका कंपनी के रोल में आ गए हैं, मतलब आपसे कोई जॉब नहीं छीन सकता है, तो उसके बाद कंपनी जो कि आपके एम्प्लॉय के मन में कभी भी नहीं रहेगा कि आप वो फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन करते रहे एम्प्लॉयज का, और कंपनी के माइंड में भी ऐसा बात नहीं आएगा कि हमको ये कंपनी छोड़ करके दूसरा कंपनी देखना है। तो स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी की प्रोडक्टिविटी, कोई भी कंपनी के प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इसके बाद 13th है इनिशिएटिव, जितने भी मैनेजमेंट लेवल के हैं, टॉप लेवल के हैं, वो हर तरह का न्यू मैनेजमेंट में न्यू इनिशिएटिव ले, न्यू पॉलिसी डिजाइन करें कि कैसे हम लोग आगे गोल की ओर बढ़े और किससे हमारा प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है स्पिरिट डे कॉप्स,
टीम स्पिरिट, जैसे कि देखे होंगे आप लोग रेलवे स्टेशन में भी देखे होंगे कि देखे होंगे कितना बड़ा बड़ा जैसे रॉड रहता, मतलब देखे होंगे आप लोग जैसे रेलवे पटरी देखे होंगे तो देखे होंगे वहां पे चार पांच बंदे ही उठा देते हैं, तो वो क्या है उनका टीम स्पिरिट है। टीम स्पिरिट मतलब वो तो काम कर रहे हैं साथ ही उनको प्रमोट कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को यूनिटी के साथ हारमोनी के साथ कि हम लोग को काम करना, ट्रस्ट मोटिवेशन और हम लोग को बढ़ाना है, तो वो क्या हुआ आपका स्पिरिट दे कॉप्स। इसके बाद फिफ्थ में आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी बनाना है। देखिए जैसे स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है, आप किस तरीके से कोई भी काम को आगे की ओर ले जाना है तो इसका एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। मतलब आपको ये काम करना, फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सेकेंड होता है, थर्ड होता है, तो इस तरीके का स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी में कोई भी कंपनी का क्या होता है, विजन होता है कि क्या विजन होता है, क्या विजन, तो विजन एक तरह का उसका क्या हो उसका वैल्यूज को दर्शाता है कि कंपनी के क्या चाहता है, कंपनी क्या खोज रहा है। ठीक है, विजन क्या दिखाता है कि कल कंपनी का काम क्या रहेगा, कल उसका फ्यूचर में क्या रियलिस्टिक अप्रोच रहेगा जिससे कि प्रोडक्टिविटी क्या हो, इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, मेंटल पिक्चर दिखाता है कोई भी फ्यूचर गोल के लिए जो कि क्रिएट किया गया है ग्रुप के लिए या फिर क्या हो बेनिफिट करने के लिए कोई भी ग्रुप के लिए। इसके बाद मिशन, विजन एंड मिशन, मिशन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दर्शाता है कि पर्पस क्या है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, कोई भी पर्पस के लिए वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो बिजनेस क्यों एग्जिस्ट कर रहा है और कस्टमर क्या उसके कारण से जो हो रहा, कस्टमर को जो उसके कारण सेटिस्फाइंग नेचर मिल रहा है कि नहीं, वही आपको क्या दर्शाता है, मिशन दर्शाता है। इसके बाद गोल, गोल क्या है, ये गोल ओपन एंडेड स्टेटमेंट है, मतलब आपको रिजल्ट जो दे। ठीक है, रिजल्ट जिसके कारण आप क्या करें अपना टाइम दे सके, अपना टाइम दे करके उस गोल को प्राप्त कर सके, तो इससे क्या होता है गोल होना चाहिए, एक कंपनी का भी गोल होना चाहिए कि मुझे इस टाइम लिमिट में काम करना है फॉर द क्राइटेरिया ऑफ द कंप्लीशन, कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। गोल्स जो होता है मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी कंपनी मैनेजमेंट के लिए, जो इस्टेब्लिश क्या करता है उसके उसके आउटकम्स को इस्टेब्लिश करता है और साथ ही एम्प्लॉयज को क्या कराता है, गाइड कराता है क्योंकि वो अपना इफर्ट दे सके। गोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्या करने के लिए, अचीविंग एंड टाइमली, कोई भी गोल्स को क्या होता है अचीवली और टाइमली, टाइमली गोल्स को क्या कर दिया जाए उसको डिवाइड कर दिया जाए तो उसके कारण क्या हो गोल्स आप इजिली अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स जो होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है एक तरह का मार्गदर्शन होता है, मार्गदर्शन जिस तरीके से आप कोई भी गोल को अचीव कर सके। ऑब्जेक्टिव जैसे कि बोल सकते हैं एक तरह का रिजल्ट है या आउटकम्स है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जिसके कारण वह अपना बेसिक मिशन को कवर कर सकता है। इसके बाद पॉलिसीज, पॉलिसीज क्या होता है, कंपनी एक तरह का स्ट्रेटजी बनाएगी तो साथ में पॉलिसी भी बनाएगी। पॉलिसी मतलब एक तरह का आपका ट्रैक, एक तरह का आपका ट्रैक जिसके का जिस पर चल करके कंपनी का जो पर्पस है वो पूरा हो साथ ही उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो। और स्ट्रेटजी क्या होता है, रोड मैप होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद स्ट्रेटजी को मैनेजमेंट करने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, जैसे स्ट्रेटजी एनालिसिस में क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ मिशन होना चाहिए साथ ही उसका क्या हो ऑब्जेक्टिव हो, साथ ही आप ऑर्गेनाइजेशन को तो बनाए साथ ही आप इन्वायरमेंट को भी देखना होगा साथ ही साथ कि आप क्या, तो इन्वायरमेंट से कोई भी काम कर रहे हैं मतलब आप इन्वायरमेंट में रह के काम कर रहे हैं तो क्या उसके कारण कोई थ्रेट तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल जो भी बनाए आप उसके कारण देखेंगे कि आपका क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, अगर वीकनेस है तो कैसे हम लोग वीकनेस से निकल सकते, तो ऑर्गेनाइजेशन में देखना पड़ेगा क्योंकि क्या इसमें स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। अगर स्ट्रेटजी ए काम नहीं आता तो आप क्या मूव कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बी में मूव करना चाहिए, तो स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव्स आपके पास हमेशा हो जिसके कारण आप क्या कर सके कोई भी इन्वायरमेंटल या ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस कर सके कोई भी मिशन या ऑब्जेक्टिव्स में। फिर दूसरा जो होगा आपका स्ट्रेटजी चॉइस, अब स्ट्रेटजी को चुनने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे कि वो फिजिबिलिटी कितना, जो भी स्ट्रेटजी चुने आपका वो फिजिबल कितना, वो कितना 100% काम करेगा, वो सुटेबल कितना, वो सुटेबल मतलब वो किस पे सुटेबल है
और क्या ये एक्सेप्ट होगा जब हम लोग डिसीजन की ओर आगे बढ़ेंगे, कोई भी डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। मेन काम होता है स्ट्रेटेजी चॉइस के बाद क्या होता है, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो बना दी है, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, जैसे कि उसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है और इफेक्टिव लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो बन गया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इफेक्टिव लीडरशिप चाहिए, साथ ही साथ क्या चाहिए आपको, इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, जिसके कारण आपका क्या कर सके, अपने अपने जो भी डाटाज है, अपने जो भी आउटपुट है उसको शेयर कर सके, फंक्शनल पॉलिसीज और एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये सारे कुछ चाहिए। अब आपने स्ट्रेटजी को भी इम्प्लीमेंट कर दिया, अब स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होने के बाद आप क्या देखें, उसका इवेल्युएशन देखें कि हम जो स्ट्रेटजी बनाए थे वो क्या सही काम दे रहा, वो प्रोडक्टिविटी सही हो रहा है कि नहीं, वो सारे डाटा को देखिए, साथ ही कंट्रोल देखिए उसको कि क्या हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्या उसका पॉजिटिव इफेक्ट देख पा रहे हैं, अगर निगेटिव इफेक्ट्स है तो क्या हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं, वो अपने टारगेट को कंप्लीट कर पा रहा है कि नहीं, ये सारा उसका स्ट्रेटजी होगा। अगर स्ट्रेटजी में कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होता है, तो उसको क्या करें, फॉर्मुलेट करें, फॉर्मुलेट करें मतलब उसमें अमेंड करें, कुछ भी आप लोग को दिक्कत लग रहा है तो उसको स्कैन करके क्या भी दिक्कत है उसको मैनेजर से बात करके उसको क्या करें, अपना फंक्शनल स्ट्रेटजी को बनाए और उसको मॉडिफाई करें करेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ और स्ट्रेटजी के साथ, जिसके कारण वो ऑर्गेनाइजेशन और भी सक्सेसफुल हो। तो स्ट्रेटजी बना करके नहीं छोड़ना है, उसके कारण देखना है, इवेल्युएट करना, साथ ही फॉर्मुलेट करना है। अब जो फॉर्मुलेट हुआ न्यू स्ट्रेटजी, उसको भी अब इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, कि अब इम्प्लीमेंटेशन न्यू स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किए तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या देखना होगा कि पॉलिसी ठीक तरीके से चल रही कि नहीं, हम लोग जो रिसोर्सेज अपना रहे वो सही चल रहा है कि नहीं, और उसमें जो प्रोग्राम्स हम लोग डेवलप किए थे वो आपका 100% सही है कि नहीं। इसके बाद बेनिफिट्स क्या होता है स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, अगर आपने स्ट्रेटजी बता दिया कि ये स्ट्रेटजी से काम करेंगे हम लोग, अगर ये ट्रैक पाथ रहता है हम लोग का, तो हम लोग को प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, मार्केट शेयर बढ़ता है, तो ये क्या होता है आपका फाइनेंशियली बेनिफिट करता है, क्या होता है फाइनेंशियली बेनिफिट करता है, सेल्स में इम्पोर्टेंट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, कोई भी फर्म का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, साथ ही नॉन फाइनेंशियल जो भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपका फ्रेमवर्क, जैसे कि आपका इफेक्ट, जो कि आपने कोई भी स्ट्रेटजी बनाया, जैसे एक रास्ते है, मतलब अगर आप ऐसे सीधा भी जा सकते हैं, इसको इधर भी जा सकते, ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे सिक्योर कौन सा रास्ता, ये वाला रास्ता है, तो आप ये स्ट्रेटजी को अपना रहे हैं तो इसमें क्या होगा, आपका इफेक्ट एडवर्स कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा, मतलब अगर आप इधर से स्ट्रेटजी लेते तो आपको एडवर्स सिनेरियो देखने को मिल जाता, उसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाता, तो ये भी आपका क्या है, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो सकता है। और आप जो स्ट्रेटजी अपनाए हैं उसमें डिसीजन मेकिंग भी रहेगा, जिसके कारण जो भी आपने ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो सारे आपके फॉलो हो रहे हैं। इसके बाद सिक्स्थ चैप्टर है आपका प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, हेनरी फॉयल ने बताया था कि प्लानिंग इज द डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स अमॉन्ग अदर टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स। आपके मन में जो भी प्री डिटरमाइंड गोल्स है, आपके जो भी आपकी जो भी स्ट्रेटजी रहेगी उस क्या होता, प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, एक तरह का अल्टरनेटिव्स है, ठीक है, सोचने का एक तरह का, सोचने और अपने निखारने का एक अल्टरनेटिव है, जिसके कारण डिफरेंट मैनेजेरियल ऑपरेशन किया जाए, जिसके कारण आप कोई भी प्री डिटरमाइंड गोल को पा सकते हैं। तो हेनरी फॉयल का ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट जॉर्ज आर टेरी ने दिया है, प्लानिंग इज द सेलेक्टिंग एंड द रिलेटिंग ऑफ द फैक्ट्स। प्लानिंग क्या है, सेलेक्ट करना या रिलेट करना कोई भी फैक्ट्स और डाटा को, ठीक है, जिसके कारण हम लोग यूज कर सकते किसमें, एजम्पशन को, यानी देख सकते कि क्या इसका फ्यूचर के रिगार्डिंग क्या होगा, विजुअलाइज कर सकते हैं, साथ ही फॉर्मुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटीज बिलीव्ड ऑन द नेसेसरी टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। कोई भी रिजल्ट देखने के लिए हम लोग को प्लानिंग क्या होता है आपका, सेलेक्टिंग और रिलेटिंग ऑफ द फैक्ट्स होता है। इसके बाद अगर प्लानिंग को हम लोग समराइज करें या कंक्लूड करें तो क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप कोई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें हम लोग जानते मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर सकता है,
प्लानिंग ये भी डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ्यूचर रहेगा। अगर आपके पास अच्छा प्लानिंग किए हैं कि हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग फ्यूचर प्लानिंग सुने होंगे, फ्यूचर प्लानिंग में क्या करते हैं हम लोग, फ्यूचर डिसाइड करने के लिए दिखते हैं कि हाँ पैसा ऐसे रख देना, LIC में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देना है। तो ये आपका क्या है, ये आपका फ्यूचर प्लानिंग है। इसमें क्या पता चल रहा है आपका, जो फ्यूचर में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग फ्यूचर में किस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देख सकते हैं। गिव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की ओर दिखाता है हम लोग को। फोकस इज अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड द रिजल्ट, रिजल्ट की ओर जाता है, मतलब आप रिजल्ट देख सकते हैं किस तरीके से फोकस रहे। स्टैब्लिशेज अ बेसिक ऑफ टीम वर्क, टीम वर्क के बारे में बताता है स्टैब्लिश करने का, साथ ही आपको प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करना सिखाता है, साथ ही आप किस तरीके से अपने आप को बदल सकते हैं ये भी बताता है, साथ ही डिसीजन मेकिंग के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होते हैं वो भी आपको बताता है। प्री रिक्विजिट फॉर द अदर मैनेजमेंट फंक्शंस, क्या जरूरत होते हैं अदर मैनेजमेंट फंक्शन को ऑपरेशन करने के लिए वो भी आपको बताता है। रिड्यूस अनसर्टेनिटी, रिड्यूस कंपटीशन, कंपटीशन अगर आपका प्लानिंग अच्छा रहेगा तो आप कंपटीशन से कम रहेंगे। ब्रिंगिंग इकोनॉमी इन इन ऑपरेशन, आपका इकोनॉमी क्या रहेगा, ऑपरेशन में आ जाएगा। अब प्लानिंग के कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे परसेप्शन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, जैसे आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने जैसे आपने एक इवेंट मैनेजर का काम कर रहे हैं, ठीक है, इवेंट मैनेजर का, तो इवेंट मैनेजर क्या देखता है, अपॉर्चुनिटीज क्या होता है उसका, अपोजिट अपो जो होता है वो लगन के समय में काम करता है। फिर क्या करता है, स्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स पे काम करता है कि अगर हम इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो ड्रोन से शूटिंग करवाएंगे, सारा बेनिफिट्स देंगे, ठीक है। सेटिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस, अपना एक ऑफिस बनाता है, क्या करता है ऑफिस बनाता है, ऑफिस बनाने के बाद क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स मतलब आपने एक तरह का ऑफिस बना दिया, लेकिन ऑफिस के बाद आप क्या करें उसको ऑनलाइन भी दीजिए, आप उसको ऑनलाइन भी, आजकल मॉड्यूल आ गया ऑनलाइन में भी आप उसको एडवर्टाइज दीजिए, तो उस तरीके का अल्टरनेटिव्स दीजिए। साथ ही जो भी अल्टरनेटिव्स दीजिए, क्या आपका इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, आपने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट दिया तो कितना उस पर्सन, जितना एडवर्टाइजमेंट दिया क्या उससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुआ, मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ, कितने पर्सन उससे अटैच होकर के देख रहे हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, आपने बहुत सारे अल्टरनेटिव दे दिए, जैसे मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन दे दिया, साथ ही पैम्पलेट भी छपवा लिया, साथ ही साथ आपने क्या कर दिया, आपने हर जगह पोस्टर भी लगा दिया, तो आपको देखना है कि कौन सा अच्छा चल रहा है, तो आपको पता चला हाँ ऑनलाइन में आपको कम खर्चा भी पड़ रहा है और मार्केट जो है आपका कितना स्प्रेड हो जा रहा है, तो आपको अल्टरनेटिव्स भी सोचना है कि हाँ ऑनलाइन से ही करना आपको सही लगेगा। फिर डेवलपिंग एंड सपोर्टिव प्लान्स, डेवलपिंग एंड सपोर्टिव प्लान्स मतलब आपके पास कुछ प्लान्स और भी होने चाहिए, जैसे आपने इवेंट मैनेजर का तो काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आप क्या करा रहे हैं, आप इसके इसके साथ साथ आप और भी जैसे फंक्शंस है इवेंट मैनेजर में, मतलब शादी कराना है तो आप जो भी है जैसे वो वाले फंक्शंस भी करा रहे हैं, जैसे शादी तो कराना ठीक है, लेकिन किसी का बर्थ का एनिवर्सरी होता है, जैसे जैसे बर्थ है बर्थडे किसी का सेलिब्रेट करना है तो साथ साथ वो भी करवा रहे हैं, तो सपोर्टिव प्लान्स भी लेकर के चलना है। साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट सिक्वेंशियल ऑफ द एक्टिविटीज, अब आप क्या किए पूरा काम करवा रहे हैं, लेकिन आपको एक एक्टिविटीज भी तो बनाना पड़ेगा कि फर्स्ट दिन शादी का ही रहेगा तो उसमें ये एक्टिविटी करना, सेकेंड दिन ये एक्टिविटी करना है, सेकेंड दिन आपको शूटिंग यहाँ करना है, थर्ड दिन इस तरीके का है, और इंश्योर द पार्टिसिपेशन, और पार्टिसिपेशन मतलब आप सब में पार्टिसिपेट कीजिए, आपके जितने भी स्टाफ से आप देखते रहिए कि क्या वो हर तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और साथ ही उसके पे मॉनिटर कीजिए और फ्यूचर इवेल्युएट भी कीजिए कि वो कैसे 100% रिजल्ट दे सकते हैं। अब कुछ कुछ बैरियर्स भी होते हैं प्लानिंग पे, जैसे इनएडुक्वेट प्लानिंग, अपने आपने क्या किया, यहाँ इवेंट मैनेजर का काम सौंप दिया लेकिन आपने प्लानिंग सही से नहीं किया कि हमको फर्स्ट दिन सेकेंड दिन किस तरीके से काम करना, तो आपका ये प्लानिंग का प्लानिंग ही सही से आपने किया। फिर लैक ऑफ कमिटमेंट टू द प्लानिंग, आपने एक तरह का माना कि हमको फर्स्ट दिन यहाँ शूटिंग करना, सेकेंड दिन शूटिंग करना है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे अपने प्लान को, तो उससे क्या क्या रन ये भी होता है। इनफेरियर इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ रिलायबल डाटा, आपने तो क्या किया ऑनलाइन तो अपने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, लेकिन वहां पे क्या किया आपने कॉन्टैक्ट नंबर ही देना भुला गए, तो
इन आपने क्या दिया, लैक ऑफ द रिलायबल डाटा नहीं दिए वहां पे, तो ये भी आपका कारण हो सकता है। फोकसिंग टू मच ऑन द प्रेजेंट देन फ्यूचर, आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने अभी तक इवेंट मैनेजर का काम किया, लेकिन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है सारे का, ड्रोन से कैमरा होना चाहिए, ड्रोन से शूटिंग होना चाहिए। साथ ही साथ आप क्या दे रहे हैं, आप जो वीडियो बना के दे रहे हैं वो ऑनलाइन आपके जो भी चैनल्स होंगे वो उसमें पब्लिश हो रहा है, तो इस तरीके से आपको स्कोप रखना पड़ेगा अपने फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए। साथ ही आपका कंसंट्रेशन ऑफ द कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, आपके साथ जितने भी काम कर रहे हैं उस पर कंट्रोल भी होना चाहिए, और फॉल्स सेंस ऑफ द सिक्योरिटी, अब ऐसा ना हो कि आपके साथ में क्या जो भी काम कर रहे हैं अगर एक छोटा सा सामान चोरी हो गया तो आप उस पर ब्लेम कर दें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि क्या आप सिक्योरिटी पे फॉल्स सेंस लगा के रखें। और टेक्नोलॉजी चेंजेस, आप अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, जैसे आज ड्रोन आ गया, ड्रोन आ गया तो ड्रोन का यूज कर रहे हैं, इसी तरीके से और बहुत कुछ, कैमरा आ गया तो कैमरा को धीरे धीरे आपको क्या करना है, स्टेब्लिश करना है, टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना है, तो इसके कारण आपका प्लानिंग जो 100% अच्छा रहेगा और बैरियर्स इतने सारे नहीं आएंगे। इसके बाद इस टाइप्स ऑफ प्लानिंग में आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग में बात करें तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब आपके पास एक स्ट्रेटेजी हो, लॉन्ग ब्रॉड रेंज गोल्स हो, और ये कौन डिसाइड करेगा, ये टॉप मैनेजर डिसाइड करेगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है, आपको बिजनेस को ड्राइव करना है राइट डायरेक्शन में और प्रमोट करना है सारे को, क्या कर सके, पीपल और आइडियाज शेयर कर सके, आप सिमिलर गोल्स की ओर आगे बढ़े, ठीक है। ये प्लान्स आपको कब बताते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन मिशन आपका वैल्यूज विशन हो, या फिर आपका मिशन हो, या फिर आपका क्या हो, ऑब्जेक्टिव हो, ये सारे प्लान्स आपके तब काम करते हैं। और जो भी आपकी प्लानिंग होगी वो हाईएस्ट लेवल से लेकर के उसका लोएस्ट लेवल तक जाए, मतलब वो ग्राउंड रूट को भी इफेक्ट करे, और ये आपका विजन के अनुसार चलते रहे। बेसिक टास्क जो होना चाहिए आपका हमेशा क्या हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का आपने डिटरमाइन किया स्ट्रेटेजी पोजीशन का, फिर गैदर इंफॉर्मेशन कीजिए, कितना डाटा ले लीजिए सारे से, परफॉर्म देखिए स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस कीजिए, उसके साथ स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, क्या क्या थ्रेट्स है, ठीक है। प्रायोरिटाइज योर ऑब्जेक्टिव्स, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव नंबर 1 2 3 4 लिखे लेकिन आपने फोर्थ नंबर पे अपने प्रायोरिटाइज नहीं किया, फोर्थ नंबर अच्छा है ऑब्जेक्टिव्स तो उसको फोर्थ नंबर पे को लेकर के आइए फर्स्ट नंबर पे, तो स्ट्रेटेजिक प्लान को बनाइए, साथ ही एग्जीक्यूट कीजिए और मैनेज कीजिए अपने प्लान्स को, जो कि 100% सक्सेस का रास्ता दिखा सके। रिव्यू एंड द रिवाइज ऑफ द प्लान, हमेशा क्या कीजिए, रिव्यू कीजिए, अगर कोई मॉडिफिकेशन जरूरत है तो उसको मॉडिफिकेशन भी कीजिए। अब नेक्स्ट है क्या, टैक्टिकल प्लानिंग, टैक्टिक, एक टैक्टिक होता है क्या, आप कुछ भी तरीके से अपने काम को कर लेना, ठीक है। स्ट्रेटजी तो कर सही है लेकिन अगर आपका स्ट्रेटजी ना सपोर्ट करे तो क्या करे, टैक्टिकल मेथड कोई चुने, टैक्टिकल को यानी कोई भी दूसरा मेथड करे जो कि आपके स्ट्रेटजिक प्लानिंग को क्या करे, सपोर्ट करे, ठीक है। देयर आर मेनी फोकस स्पेसिफिक एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स वेयर देयर एक्चुअल वर्क इज बींग डन, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फोकस्ड और स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म प्लान बनाइए जो कि आपका काम को कर सके और हायर लेवल स्ट्रेटेजिक प्लान को भी सपोर्ट कर सके। तीसरा प्लानिंग है आपका ऑपरेशनल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग क्या आपको बताता है, जिसके कारण आपका कंटिन्यूअली आपको डे टू डे बेसिस आपको डाटा मिलता रहे और आप एग्जीक्यूट कर सके क्या टैक्टिकल प्लेन्स को, ठीक है। अपने टैक्टिकल प्लेन को एग्जीक्यूट करें तो आपका ऑपरेशन भी क्या होना चाहिए, ऑपरेशन, अब आपने प्लान बना लिया लेकिन उसका ऑपरेशन और एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो तो उसका भी दिक्कत हो सकता है, तो प्लान आपका क्या हो, सिंगल यूज प्लान हो या ऑनगोइंग प्लान हो, ये नहीं कि एक एक साथ आप 5 6 प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नहीं, आप एक प्लान बनाइए उसी को एग्जीक्यूट करते चलिए और डे टू डे उसका डाटा भी लेते चलिए, ठीक है। सिंगल यूज प्लान मतलब आपका एक सिंगल मार्केटिंग कैंपेन के लिए यूज होता है, और ऑन गोइंग प्लान मतलब जो कि स्टेप बाय स्टेप आप उसमें कुछ कुछ ऐड करते जा रहे हैं तो आपका क्या हो, ऑन गोइंग प्लान्स होता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टीजेंसी प्लान, कॉन्टीजेंसी प्लान जब बनाया जाता है, जब अनएक्सपेक्टेड ऑकर और मेजर नीड्स टू बी नीड, ठीक है, अगर कोई नीड्स जरूरत है,
कॉन्टीजेंसी मतलब आपातकाल, आपातकाल प्लानिंग मतलब अगर कोई प्लानिंग आपका चल रहा है लेकिन उसमें कोई बैरियर्स आ जाता है, तो बैरियर्स को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, कॉन्टीजेंसी प्लान को लाएंगे, क्योंकि वो बैरियर से क्या होगा, आपका प्लान फेल हो जाएगा। तो क्या करिए, उसी समय दूसरा कॉन्टीजेंसी प्लान ले करके चलिए। अब हम लोग एडवांटेजेस ऑफ द प्लानिंग पढ़ते हैं। एडवांटेजेस में क्या होता है, आपका बेटर रिसोर्स, जितने आपने रिसोर्स किए हैं वो उसको यूज कर सकते हैं, आपने जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव है उसको पा सकते हैं, आपका इकोनॉमी ऑपरेशन में कैसा वर्क कर रहा है ये भी आप अचीव कर सकते हैं। मिनिमाइजेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, फ्यूचर में कोई भी दिक्कत होगा, अनसर्टेनिटीज होगा, उसको भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कंपटीटिव स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, आपके पास कितने कंपटीटर मार्केट्स में हैं उसको भी बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ अपने इफेक्टिव कंट्रोल को भी देख सकते हैं। इट गिव्स द मोटिफिकेशन मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को क्या देता है, ये मोटिवेशन देता है, और साथ ही साथ रेशनलिटी अमॉन्ग द मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, और इंक्रेज क्या करता है, आपको इनोवेशन भी इंक्रेज कर सकता है। इम्प्रूव्स द एम्प्लॉय मोरल, मोरल भी उसका बढ़ाता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, डिसएडवांटेजेस भी है कुछ। क्या होता है, फ्रीडम आपको कोई भी कंपनी में नहीं मिलता, जैसे प्लानिंग के काम करेगा, जैसा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आपको क्या है उसी तरीके से काम को चलना पड़ेगा। कोस्ट मोर टू कलेक्ट डाटा देन अदर रिसोर्सेज, आपको डाटा को लेने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज को कॉस्ट देना पड़ता है। टाइम कंज्यूमिंग भी है, कोई प्लानिंग अगर चल रहा है तो टाइम कंज्यूमिंग है। फॉल्स सेंस ऑफ द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के मामले में भी ये क्या दिखाता है, फॉल्स सेंस दिखाता है। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 7 में आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स में, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है, पर्सनल मैनेजमेंट। तो ये ऐसा मैनेजमेंट है जो कि डील क्या करता है, रिक्रूट करने में, हायरिंग करने में, या स्टाफिंग, या डेवलप, या कंपनसेशन देने में, या वर्क फोर्स को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या प्राइमरी फंक्शन क्या है इस पर्सनल मैनेजमेंट का। तो पर्सनल मैनेजमेंट का क्या है, आपका डेवलप्ड करना, कंपनसेशन देना, जॉब देना या इवेल्युएशन देना, एम्प्लॉय वेलफेयर यूटिलाइजेशन को, ठीक है, या कलेक्टिव बार्गेनिंग करना, ठीक है। तो मेन काम इसका क्या होता है, जॉब देने का, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इसमें भी मैनेजेरियल फंक्शन आते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारे जो भी मैनेजेरियल फंक्शन मैंने पढ़ाए हैं तो वो सारे इसमें आते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको भी मैनेज करना है भाई, इसको भी मैनेज करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशल और ऑर्गेनाइज ब्रांच चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज ब्रांच चाहिए जिसका मेंटेनेंस, जिसको आप मेंटेनेंस कर सके, डेवलपमेंट कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके, पीपल को कोऑर्डिनेट कर सके वर्क की ओर, ठीक है, और उसमें क्या कर सके, बेस्ट ऑफ द इंटरप्राइज दे सके। इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक फंक्शन ऑफ द प्लानिंग फॉर द ह्यूमन रिसोर्स नीड्स एंड डिमांड सेलेक्शन ट्रेनिंग और कंपनसेशन दे सके, ठीक है, डिमांड सेलेक्शन दे सके, ट्रेनिंग दे सके, और आपको साथ ही साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल भी दे सके, समय समय पे लिए आपको कुछ कुछ बोनस भी दे सके जिसके कारण आपका रिक्वायरमेंट हो। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि आपका मॉडर्न और एडवांस मैनेजमेंट है, क्या चीज का, एडवांस सिस्टम है ह्यूमन रिसोर्स का। इसके बाद पर्सनल जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, वर्कर को टूल्स और मशीन्स, ठीक है, वर्कर को क्या मानता है, टूल्स और मशीन की तरह मानता है, जिसके कारण आपका एसेट्स जो कि इम्पोर्टेंट है, एसेट्स जो है आपका बढ़ते रहता है। पर्सनल मैनेजमेंट जो कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, किसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन से, डायरेक्शन से, कंट्रोल ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन से, ठीक है। वेयर एचआर इज ए डेवलपमेंट और ओरिएंटेड, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट परफॉर्मेंस ग्रोथ, और एचआर क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स, तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय जहाँ इम्प्रूवमेंट हो सके, परफॉर्मेंस हो सके, साथ ही उसका ग्रोथ हो सके। तो ह्यूमन रिसोर्स कंसिस्ट ऑफ पीपल हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ह्यूमन रिसोर्स वो ऐसा पीपल होता है जो कि काम कर सकता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। एक मिनट देख लीजिएगा। के बाद आगे है, इट इज इसेंशियल टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द केयरिंग ऑफ वन एम्प्लॉयज एंड हेल्पिंग देम वर्क टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। कोई भी बैलेंस बना करके चलना है कि आपका एम्प्लॉयज को केयर भी करे और मैक्सिमम पोटेंशियल को
को आगे भी बढ़ाए। मतलब कोई आदमी, कोई बंदा आपके यहाँ काम कर रहा है तो आप उसको केयरिंग भी करें, साथ ही साथ वो किस तरीके से अपने गोल को, अपने पोटेंशियल को, वो 100% इफिशियंटली वर्क कर रहा है ये भी देखें। साथ ही उसके कारण क्या होगा, आपको गोल्स की ओर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, गोल्स आपका ऑर्गेनाइजेशन का आगे बढ़ेगा, और आप जो वर्क कर रहे हैं उसमें एम्प्लॉयज़ जो आएंगे, ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके होता है, एम्प्लॉयज बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉयज रिक्वायरमेंट के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, साथ ही उसका डेवलपमेंट देने के लिए, डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, साथ ही अप्रेजल और रिवार्ड मैनेजमेंट भी करता है, ठीक है। मैनेजिंग पे एंड द एम्प्लॉय बेनिफिट, ये सारे उसके काम होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाए हम लोग, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। स्टाफिंग, स्टाफिंग कैसे इंक्रीज करें, एम्प्लॉय रिटेंशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जैसे रिटेंशन, देखिए रिटेंशन रेट 75% क्या दिखाता है, ऑर्गेनाइजेशन में 75% एम्प्लॉयज है कोई भी काम के लिए, कोई भी समय के लिए, ठीक है। तो एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय कितना देरी रुकते हैं आपके कंपनी में ये भी दिखाता है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट आपका एम्प्लॉयज का कैसे, आप एम्प्लॉयज का क्या करें, कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ उसका स्किल्स एबिलिटीज सारे कुछ आप उनका बढ़ा रहे हैं, साथ ही उन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका, ठीक है। टेक्निकल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, कैरियर भी उसका देख रहे हैं, प्लानिंग एंड काउंसलिंग भी रेगुलर उसका देख रहे हैं। इसके बाद मैनेजमेंट चेंज ऑन, अगर मैनेजमेंट में कोई चेंज आता है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर कोई चेंज आता है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए तो वो भी आपका क्या हो, वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या हो, ऑल एम्प्लॉयज को क्या हो, आपका चेंज के साथ चलना पड़ेगा, कोप विद द चेंजेस, और आपको क्या हो, उससे क्या हो, एक्सपर्टाइज मिलेगा, और आपको ओवरऑल प्रोसेस में मैनेजिंग चेंज भी दिखाना पड़ेगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, आपको कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए, साथ ही साथ आपको क्या बताता है, असिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप अपने पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करें, तब ही सिंपली स्टेटेड और भी डिपार्टमेंटल एग्जिस्ट टू सर्व द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ही जो भी काम है वो बाद में आप देखिए। इसके बाद फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब फंक्शन के लिए जो भी काम हो उसके लिए क्या जरूरत तथ्य होते हैं, जा क्या जरूरत होते हैं, वो सारे चीज इंपॉर्टेंट होता है। तो डिपार्टमेंटल कंट्रीब्यूशन एट द लेवल अप्रोप्रिएट टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के लिए, रिसोर्सेज आर वेस्टेड व्हेन एचआरएम इज मोर, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, सोफिस्टिकेटेड देन द ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड्स, डिमांड से क्या हो आपका, रिसोर्सेज क्या हो ज़्यादा है तो आपका क्या हो, ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड्स में ये सोफिस्टिकेटेड होगा। ये डिपार्टमेंट्स लेवल ऑफ सर्विस मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इट सर्व, डिपार्टमेंट लेवल जो भी सर्व करता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो, अप्रोप्रिएट हो। इसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो कि इम्प्लॉय को अपना गोल्स तो अचीव करना है, साथ ही साथ आप अपने गोल्स को, इंडिविजुअल के गोल्स को भी अचीव करें, जिसके कारण उसको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज इम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस भी क्या हो, डिक्रीज करते जाएगा, और इसके बाद आप क्या करें, इम्प्लॉय जो है वो छोड़कर चला जाएगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम ना करे कोई भी इम्प्लॉय, तो उसको असिस्ट भी करना है कि आप अपने पर्सनल गोल के लिए काम ना करें, आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दे करके ही आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी का भी बेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, अगर सोसाइटी के कारण निगेटिव इम्पैक्ट्स का पड़ रहा है तो आप एकजुट हो करके उस नीड्स, जो भी जरूरत है, जो कि चैलेंजेस है, वो निगेटिव इम्पैक्ट्स को हटाने के लिए वो जरूरत पड़ता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फेल्यूर कब होता है, जब उसका रिसोर्स में सोसाइटी बेनिफिट जो होता है रिस्ट्रिक्शन की तरीके से काम कर सके, ठीक है, सोसाइटी की तरीके से, रेस्ट्रिक्शन की तरीके से काम कर सके, तो आपका सोसाइटल ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कि कोई आप पूजा का सामान बेच रहे हैं, ठीक है, पूजा का सामान बेच रहे हैं, जैसे आप पूजा का सामान बेच रहे हैं, और साथ ही साथ आप क्या करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन आपका ए
एक्स वाई जेड कंपनी है, अगर आप कोई पूजा करने का कोई भी, आप जैसे आप फ्रेग्रेंस स्टिक बेच रहे हैं, ठीक है, अगरबत्ती बेच रहे हैं, और यही एक्स वाई जेड अगर नॉन वेज प्रोडक्ट भी बनाती है, तो इसके कारण क्या होगा, सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि अरे ये तो दोनों चीज़ बन रहा है, फ्रेग्रेंस भी बना रही है, नॉन और नॉन वेज प्रोडक्ट्स जो भी है वो भी आपका डिजाइन कर रही है, तो इस तरीके से वो कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद फंक्शन क्या होता है, तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट किस तरीके से किया जाए, कोई भी हम लोग कोई भी पर्सन का। इसके बाद जॉब एनालिसिस क्या होना चाहिए, कोई भी जॉब का डिजाइन क्या हो, जो हम लोग यहाँ पे पर्सन को लिए हैं उसको ट्रेनिंग मिले कि नहीं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो वो पर्सन का, ठीक है। उसको सैलरी कितना मिलेगा, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर, एम्प्लॉय का कितना वेलफेयर होगा, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, साथ ही मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जैसे एम्प्लॉय टर्नओवर के बाद एक मेंटेनेंस मिले, तो ये सारा प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये सारा कुछ देखे एम्प्लॉयज को, साथ ही लेबर रिलेशंस भी समझे। ये नहीं कि आप टॉप लेवल पे हैं और आपके लेबर्स, आपके जो कि लेबर्स को आपने क्या बोला, हैंड टूल्स बोला है, उसको नहीं देखेंगे तो कंपनी का प्रोग्रेस कैसे इंक्रीज होगा। तो टॉप लेबर, लेबर से लेकर के टॉप लेवल तक को आपको रिलेशन बना के रखना है। इसके बाद पर्सनल के साथ रिसर्च करना है कि ह्यूमन रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो की है, एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे ओपिनियन शेयर कर सके, साथ ही सैलरीज, प्रमोशन और वर्किंग कंडीशन को देख करके आप लीडरशिप एक्सेट्रा को देख करके आगे बढ़ सकते हैं। सच रिसर्च हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। ये सब क्या है, आपके एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को देखा जाएगा और एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर, साथ ही एम्प्लॉय का टर्मिनेशन भी देखा जाएगा। तो ये आपका पर्सनल रिसर्च होना चाहिए जिसके कि देख सकते कितना रिटेंशन होता है कंपनी में, कितने लोग अभी काम कर रहे हैं और कितना छोड़ के जाने वाले, ये सारे आपको डाटा मिल जाएंगे। पर्सनल के पास एक रिकॉर्ड भी होना चाहिए, किसका, तो एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए जिसके रिकॉर्डिंग, मेंटेनिंग, रिट्राइविंग एम्प्लॉय, साथ ही एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, कितना काम कर रहे हैं, कितना अर्निंग हो रहा है, कितना अपसेंट है, तो ये सारा डाटा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज में एक आता है लाइन फंक्शन, ठीक है। तो लाइन फंक्शन क्या होता है, ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन एडवांस करता है जिसके कारण आप कोर वर्क को अच्छे से कर सके, ठीक है। इसमें प्रोडक्शन और सेल्स आता है, ठीक है, और समटाइम्स क्या होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इसमें आता है। लाइन मैनेजर्स हैव टोटल अथॉरिटी ओवर हु रिपोर्ट डायरेक्टली टू देम। लाइन मैनेजर्स क्या करते हैं कि वो अपने पास टोटल अथॉरिटी रखते हैं कि किस तरीके से मेरा प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद आता है स्टाफ फंक्शन। स्टाफ फंक्शन क्या होता है आपका, हम लोग बता सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप कोई भी एडवाइजरी दे, मतलब कोई भी काम कराने के लिए अपना, कोई भी काम कराने के लिए एडवाइस दे, साथ ही आप फंक्शन को अपने जितने भी फंक्शन हो रहे, काम हो रहे हैं उसको सपोर्ट करें। जैसे एचआर, एचआर ह्यूमन रिसोर्स में देखे होंगे अकाउंट, पब्लिक रिएक्शन और लीगल डिपार्टमेंट जनरली क्या करते हैं, स्टाफ फंक्शन का काम करते हैं, लेकिन स्टाफ वर्कर क्या होता है, प्राइमरी एडवाइजरी अथॉरिटी होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, क्रिएट करना, डेवलप करना, कलेक्ट करना या एनालाइज करना, क्या, शॉप इंफॉर्मेशन जो कि लाइन वर्कर्स को ये एडवाइस दे सकता है। इसके बाद स्टाफिंग में तो बता चुके हैं, और लेकिन स्टाफिंग आपका नेक्स्ट चैप्टर है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू द थियो हेमैन ने बताया है, स्टाफिंग पर्टमेंट्स टू रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, डेवलपमेंट एंड द कंपनसेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। तो स्टाफिंग क्या है, कोई भी रिक्रूटमेंट लेना, उसको किस तरीके का रिक्रूटमेंट से सिलेक्शन ले रहे हैं, साथ ही वो सिलेक्शन होने के बाद क्या डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होने के बाद क्या कंपनसेशन होगा वो सबॉर्डिनेट्स का। तो ये आपका क्या हो, रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज बाय इवैल्यूएटिंग देयर स्किल्स, उसके स्किल्स के अनुसार आप उसको नॉलेज से रिक्रूट करें और ऑफर करें स्पेसिफिक जॉब जिसके, जिससे वो जॉब के लिए 100% सेटिस्फाइड रहे और आप देख सके कि वो जॉब के लिए वो काम कर सकता है। अब राइट नंबर ऑफ पीपल फॉर द राइट पीपल इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो यहाँ पे क्या है, राइट नंबर रहे, राइट पीपल रहे, राइट प्लेस पे भी काम करे और राइट समय के लिए भी काम करे।
उसके बाद आता है वर्कलोड। वर्कलोड इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि एक्सेस ऑफ वर्कलोड के कारण भी आपका क्या हो सके, स्लोअर परफॉर्मेंस रहेगा और ईरर और मिस्टेक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। अंडरलोड, अंडरलोड होने से भी क्या हो सकता है, पर्सन जो होगा वो बोर्डर, मतलब वो बोर फील करेगा और क्या वो सिचुएशन और अवेयरनेस को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और रिड्यूस अलर्टनेस, अलर्टनेस रिड्यूस कर जाएगा जिसके कारण उसका एक्सीडेंट या कोई भी हानि हो सकता है। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्कलोड, वर्कलोड के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस कैन बी अफेक्टेड बाय वर्कलोड बीइंग टू हाई और टू लो। परफॉर्मेंस क्या होगा आपका, क्या इफेक्ट होगा अगर कोई भी काम को हम लोग क्या करें, वर्कलोड को हाई दे दें या कोई भी काम को लो कर दें, या क्या करें सेट क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करें क्लियर रखें, और इंश्योरिंग दैट स्टाफ आर क्लियर ऑन देयर प्रायोरिटीज, और प्रायोरिटीज पे क्या रहे आपका स्टाफ काम करने के लिए हमेशा रेडी रहे। ठीक है, सम टास्क को क्या करें रीअलोकेट फ्रॉम द ह्यूमन टू मशीन्स और वाइस वर्सा। कभी कभी कोई टास्क आपका मशीन नहीं कर पाता है तो उसको ह्यूमन को दे, और कोई टास्क आपका ह्यूमन नहीं कर पाता है तो मशीन को दे। इससे क्या हो, ह्यूमन का भी परफॉर्मेंस बढ़ेगा, सेफ्टी भी बढ़ेगा, मेंटेबिलिटी भी बढ़ेगा, और पर्सनल रिक्वायरमेंट जो होगा वो भी आपका इंक्रीज होगा। इसके बाद परफॉर्म करें टास्क को जिसके कारण आपको क्या मिले, स्टाफ को जो भी जरूरत है वो आप दे सके, जिसके कारण वो परफॉर्म अपना टास्क करे इजीली। ठीक है, इसके बाद सुपरविजन, सुपरविजन मतलब क्या होता है, आप किसी को सुपरवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सुपरवाइज कर रहे हैं मतलब आप उसके ओवरसी कर रहे हैं, आप उसके पैने निगरानी कर रहे हैं कि वो किस तरीके का काम कर रहा। ठीक है, तो सुपरवाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तीन मेन फंक्शन होता है, क्या होता है, डायरेक्शन, इमीडिएट गाइडेंस और कंट्रोल। जैसे कोई भी काम करवा रहा है तो उसको डायरेक्शन दे कि कुछ काम ऐसे करना है, और अगर कोई काम गलती होता है तो उसको इमीडिएट गाइडेंस दे कि अरे ये इस काम तो इस तरीके से होना चाहिए। साथ ही उसको कंट्रोल रखे, कंट्रोल रखे मतलब आप काम इतना कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर काम यहाँ तक आपको करना है तो उसको कंट्रोल रखे कि आपको वो काम अलग दिन करना है, तो इस तरीके का कंट्रोल रखे। तो सुपरविजन क्या है आपका, डायरेक्शन है, इमीडिएट गाइडेंस है और कंट्रोल है। अब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या होता है सुपरवाइजर का, कि काम को क्या करे बॉटम लेवल से स्टार्ट करे ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, आप काम को स्टार्ट करना है तो बॉटम लेवल के सारे जो भी मैनेजरियल है वो सारे को पूरा करें और उसके बाद काम को स्टार्ट करें। ठीक है, अब इम्प्लॉयज के नीड्स को भी सुने, आप ऐसा नहीं कि काम करवा रहे हैं लेकिन सुपरवाइज कर रहे हैं लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी आपको डायरेक्ट आपको बताना पड़ेगा, कितना आपके मिडिल लेवल को। ठीक है, आप तो लोअर लेवल में है तो मिडिल लेवल में जो भी होंगे उनको आपको बताना पड़ेगा। साथ ही सेटिस्फाइड है कि नहीं आपको ये भी देखना पड़ेगा, आपके जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो 100% सेटिस्फाइड है कि नहीं है। इसके बाद सुपरवाइज किसके रिगार्डिंग लिंक बनाता है, मैनेजमेंट एंड द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स के कारण लिंक बनाता है, क्योंकि मैनेजमेंट आपने मैनेज किया कोई भी काम को और वो काम आपका किस तरीके से होगा। ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव होता है डेवलपिंग जॉब ट्रेनिंग। अगर आप सुपरविजन का काम कर रहे हैं तो पहले उसको जॉब ट्रेनिंग दे जिससे कि वो 100% काम कर सके, सेफ्टी एटीट्यूड्स दे, उसके पास सेफ्टी गियर्स होने चाहिए, साथ ही सेफ वर्किंग मेथड्स हो, साथ ही उसके पास आइडेंटिफाई कर सके क्या अनसेफ एक्ट्स क्या हो सकता है, जैसे कोई भी प्लेस में अनसेफ एक्ट्स मेजर्स क्या हो सकते हैं। स्पेन ऑफ द सुपरवाइजेशन मीन्स नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हुम द सुपरवाइजर कैन कंपिटेंटली डायरेक्ट गाइड एंड कंट्रोल। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक दस दस लेबर्स हैं उसको एक सुपरवाइजर मिले, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो देख नहीं पाएगा। तो सफिशियंट नंबर ऑफ सुपरविजन भी जरूरत है और सबऑर्डिनेट्स भी जरूरत है, जिसके कारण आप सारे पर्सन को गाइड भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब कुछ टास्क दिया हुआ है सुपरवाइजर का, तो सुपरवाइजर का कुछ टास्क है कि आप अपने पॉलिसी बनाएं और पास करें हायरार्की लेवल पे। जैसे आपने ये पूछा कि एक वर्कर से ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या मिडिल लेवल में भेजे, मिडिल लेवल क्या करेगा आपके हायर लेवल में भेजेगा, तो इस तरीके से आप एक क्या बनाएं, आप एक पॉलिसी बनाकर देखिए ये दिक्कत हो रहा है। शॉर्ट रेंज ऑफ द एक्शन स्टेप्स टू कैरी आउट गोल्स बाई द सेट ऑफ लेवल अबव। अब आपने गोल को क्या करें पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर दे, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट बाई पार्ट कर दे, और उस गोल्स को कंप्लीट करने के लिए
आप क्या करें, एक लेवल से बनाएं और लेवल को क्या करें, गोल्स को कंप्लीट हो जाएगा आपका, मतलब शॉर्ट रेंज गोल्स बनाएं अपने। फिर है ऑर्गेनाइज द वर्क ग्रुप, एक तरह का वर्क ग्रुप बनाएं अपने आप को, वर्क का ग्रुप बना दे, जिससे क्या हो ग्रुप में पार्टिसिपेट करके सारे काम को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। असाइन जॉब्स टू द सबॉर्डिनेट्स, आपके नीचे भी जितने काम होंगे उसको क्या करें, सबॉर्डिनेट्स को दे दे। डेलीगेट प्रोजेक्ट्स टू द सबॉर्डिनेट्स, हमेशा प्रोजेक्ट्स जो है सबॉर्डिनेट्स को दे। डायरेक्ट टास्क और जॉब्स, ठीक है। फिर ट्रेन सबॉर्डिनेट्स, ये तो अब मैंने बताया, सबॉर्डिनेट्स को क्या करें, ट्रेन दीजिए, जॉब ट्रेनिंग दीजिए। इन्फोर्स रूल्स, रूल्स भी लगाइए कि आपको सुबह 9 बजे तक आ जाना है, यानी 9 AM तक आपको गेट का एंट्री कर देना है, गेट से पास वैलिड नहीं होगा, तो इस तरीके का रूल्स बनाइए। साथ ही लीड एंड मोटिवेट सबॉर्डिनेट्स, मोटिवेट भी कीजिए सबॉर्डिनेट्स को कि आप कर सकते हो, आपके पास इतना इतना यानी कि बल है, आपके पास इतना पेशेंस है कि आप ये काम कर सकते हैं, इस तरीके का आप मोटिवेशन दीजिए। डेवलप कीजिए क्या, ग्रुप कोहेसिव, ग्रुप कोहेसिव मतलब ऐसा ना हो कि ग्रुप में ही आपके बीच वार हो जाए, ग्रुप कोहेसिव मतलब जो ग्रुप में एकाग्रता हो, ग्रुप अगर एक थिंकिंग रखा है तो एक ही थिंकिंग रखे, ठीक है। अब परफॉर्मेंस भी देखते रहिए सारे सबॉर्डिनेट्स का, और डिपार्टमेंट से बात कीजिए उनके परफॉर्मेंस के कारण अप्रेजल का, मतलब किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ उसके कारण उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बोनस भी मिले। साथ ही डिसिप्लिन सबॉर्डिनेट्स भी रहे, डिसिप्लिन सबॉर्डिनेट्स में भी रहे तो मतलब एक तरह का आपका जो भी आप ऑर्डर दे उसको पार्टिकुलरली फॉलो करे, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसिप्लिन सबॉर्डिनेट्स। अब मेन वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर कोई भी काम को लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता, मतलब हमको उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं वर्क करता, वो क्या करता है, कोई भी वर्क के लिए काम करता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड के लिए मिलता है लेकिन डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं होता क्लाइंट कंपनी का, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें क्या काम करना पड़ता है, सारे काम वही करने पड़ते हैं लेकिन उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, अलग अलग इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि जिसके कारण आप कोई भी रिप्लेस और सप्लीमेंट कंपनी स्टाफ्स को कोई भी दिक्कत ना पहुंचाए और परफॉर्मिंग एक्टिविटीज उसी तरीके से चलते रहे। इसको एक और नाम से जाना जाता है आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग भी हम इसको बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ऑफर कंपनीज द एजिलिटी टू अप स्केल क्विकली एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। अगर आपका कोई कंपनी है, अगर आपका कोई काम में इतना सारा वर्क है तो आप क्या कीजिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट वर्क, कॉन्ट्रैक्ट पे रख लीजिए, मतलब आपको क्या करना है, जिस तरीके से काम खत्म हो जाएगा आप मेरा जो कंपनी है उस पे वो काम करके चल जाना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से वो कंपनी का क्या है, सिंपली एक क्लाइंट कंपनी होगा, सिंपली एक क्लाइंट कंपनी होगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल आप जान रहे, सिलेक्शन होता है इंक्लूडिंग रिसोर्स इक्विपमेंट नॉलेज और एक्सपीरियंस के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। फिर किस तरीके से आप क्लाइंट से बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे हैं और भी सब कोऑर्डिनेट सब कॉन्ट्रैक्टर से, उसके कारण आप किस तरीके से अपने आप को बात को रखते हैं। साथ ही इंडक्शन ऑफ द साइट रूल्स, साइट रूल्स में क्या, किस तरीके से आप अपने साइट रूल्स है, क्या सेफ्टी मेजर्स है, क्या नॉर्म्स है, क्या हजार्ड से सारे कुछ जान रहे, इमरजेंसी अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। साथ ही कॉम्पिटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर का भी बात रखा गया है। इसके बाद स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 8, स्टाफिंग में क्या एक है, असेसमेंट करना, असेसमेंट मत करना मतलब अपने डाटा को देखना, अपने डाटा को सोचना विचारना कि अगर हम लोग एक्टिविटीज कॉन्ट्रैक्टर के कर रहे हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या हो दिक्कत हो सकता है। तो काउज बाय द अनडिटेक्टेड लेटेंट फॉल्ट लेव बिहाइंड व्हेन ए कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट द वर्क, ठीक है। कभी कभी होता है कि कॉन्ट्रैक्टर काम करके चल गया लेकिन उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो किससे पूछेगा, कॉन्ट्रैक्टर जो भी उसके अंदर वर्कर्स जो होंगे उनसे आप जाकर डिस्कस करेंगे कि काम 100% पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है रिक्रूटमेंट, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 है क्या, आपका रिक्रूटमेंट है, जो कि हम अलग पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।